हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस एडिट। तो गाइस कैसे आप लोग, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस तो तुम्हारा भाई फिर से लेके गया एक न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग स्टेटस एडिटिंग है। जो आज का जो सॉन्ग है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस, एक सॉन्ग जो अभी आपको स्टेटस दिखाने वाला हूँ। गाइस तो सबसे पहले तो गाइस आपको स्टेटस दिखा देता हूँ गाइस, कौन सा सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा है और उसी ट्रेंडिंग सॉन्ग पर हम बहुत ही शानदार स्टेटस बनाए। गाइस कौन सा स्टेटस, सबसे पहले आपको स्टेटस भी दिखा देता हूँ गाइस। उससे पहले गाइस आज के इस वीडियो के अंदर किस चैनल का प्रमोशन होने वाला है वो जल्दी से चल के देख लेते हैं। तो इधर आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी गाइस, तो यहाँ पे इस चैनल का नंबर आ चुका है गाइस। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस, तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। कल ना आपका नंबर भी आएगा गाइस, तो ये भाई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा गाइस, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस अब दिखा देता हूँ आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखिए गाइस, बोले ने बाबू ए बोले ने सोना तू भी तो कुछ बोल, बोले ने सोना तू भी तो कुछ बोल, कुछ तो है गाइस। स्टेटस आपको कैसे लगा, स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस, और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस बनाना गाइस आपको। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी गाइस। और गाइस अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हो फ्री के अंदर, तो ये चार स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी फ्री के अंदर प्रमोशन हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस ये चार स्टेप कौन कौन से वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर कर देना, चौथा गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, ठीक है गाइस। जो गाइस ये चारों स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा गाइस। जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता गाइस कि नंबर कैसे आता है, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस सब बिना डाइवर्ट के चलते मोबाइल की स्क्रीन पर, बताता हूँ इस तरह का वीडियो आपको कैसे बनाना। तो चलो चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। आपको अगर आपको अलाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन चाहिए वो भी विदाउट वाटरमार्क वाला, तो वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जा सकते हो गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना और दो प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको, बिटमार्क प्रोजेक्ट और इफेक्ट प्रोजेक्ट, इन दोनों को आप इंपोर्ट कर लेना गाइस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट से इन दोनों प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर ले। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना गाइस, मैं आपको बहुत ही आसान स्टेप से बताने वाला हूँ इस वीडियो को आपको कैसे बनाना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के अंदर आ जाना। स्टार्टिंग के अंदर देखिए गाइस, अभी आपको यहाँ पे लिरिक्स दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले तो ये ग्रुप दिख रहा होगा, ये देखिए गाइस ग्रुप 9, ठीक है। इस पर क्लिक करना, उसके अंदर एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना, ठीक है। अभी इसके अंदर हमारे को फोटो एड करना होगा, अभी कुछ भी फोटो नहीं है, देखिए आपको मैं चल के दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस इसके अंदर कुछ भी फोटो नहीं है, आगे हमने ऑलरेडी फोटो लगा रखी गई आपको दिखाने के लिए केवल। यहाँ पर भी आपको खाली दिखेगा गाइस, जितने ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ तक आपको खाली दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ तक आपको खाली दिखेंगे 13.25 सेकंड था, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो पहला वाला दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देख ग्रुप दिख रहा है 1, ये फर्स्ट वाला ग्रुप, इस पर क्लिक कर देना, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना, स्क्रॉल करके आगे आ जाना। फिर नीचे नीचे एक ग्रुप और दिख रहा होगा, ग्रुप एंड मार्क्स, इस पर क्लिक कर देना, एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना। अब यहाँ से हमारे को फोटो एड करना होगा गाइस, जो भी हमारे को फोटो अच्छी लग रही वो फोटो एड करना है। फोटो एड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आओ, प्लस पर क्लिक करो, मीडिया पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है फोल्डर सेलेक्ट कर ली गाइस यहाँ पे हमने, और यहाँ से हम जो भी फोटो ऐड करने वाले हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं गाइस ये वाली फोटो ऐड करने वाला हूँ, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस फोटो यहाँ पे। अब इस फोटो को गाइस हमारे को यहाँ एंड तक रखना, यहाँ तक, ठीक है। तो फोटो पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ तक आए। अब इस फोटो को यार हमारे को नीचे के बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा, तो इस फोटो को इस पर कैसे दबा के रखना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे लिया। अब देखिए गाइस फोटो इसके अंदर आ गई, अब इस फोटो को थोड़ा एडजस्ट करना, देखिए फोटो ऊपर से कट रही है गाइस, तो फोटो पर क्लिक कर देना, फिर से मूव एंड ट्रांसफर पर जाएंगे, साइज पर क्लिक करके इसकी साइज यहाँ से इस प्रकार से आपको कम कर लेना गाइस, ठीक है, और कम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इतना कर लेना गाइस कि आपकी फ़ोटो कटे नहीं, और कम कर लेता हूँ, देखिए हमारी फ़ोटो कट नहीं रही और इसके अंदर एकदम परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो गए, ऊपर नीचे है, तो आपको इस प्रकार से इसको फोटो को ऊपर नीचे आपको सेट कर लेना गाइस अच्छे से, ठीक है। तो देखिए गाइस हमने अच्छे से इस फोटो को सेट कर ली, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना, फिर एक बार और बैक आना। अब देखिए गाइस
अभी देखिए, और यहाँ पे लिरिक्स है, लिरिक्स का फ़ॉन्ट चेंज करना है, जो लिरिक्स दिख रहे होंगे, लिरिक्स पर क्लिक करना, डबल एड एक्स पर क्लिक करना, ऊपर जाना और ये वाला फ़ॉन्ट रख लेना। इस वाले फ़ॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस, तो ठीक है, इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके ऐड करके चेंज कर लेना, ठीक है। अब आपको दिखा देता हूँ मैं, अब यहाँ से हम बैक आ गए, अभी देखिए गाइस कुछ इस प्रकार से हमारे को देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने फोटो ऐड कर लिया गाइस, इसी प्रकार से आपको देखिए गाइस सारी जगह यहाँ पे फोटो ऐड कर रखे गाइस मैंने पहले ही आपको दिखाने के लिए। तो आपको बस यहाँ पे फोटो ऐड कर लेना, जो मैंने आपको एक फोटो यहाँ पे ऐड करके दिखा दी और सेकंड वाली फोटो इस प्रकार से। अब इन फोटो के अंदर गाइस हमारे को इफेक्ट लगाना, देखिए अब भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए सारी फोटो हमारी जो सिंपल एक ही जगह है, अब इनके अंदर इफेक्ट लगाना, इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से हमारे को बैक आना है, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाना, इफेक्ट वाला प्रिव्यू ओपन कर लेना गाइस, और सबसे फर्स्ट वाला लेयर दिख रहा होगा ये वाला, इस वाले लेयर पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना, बिट मार्क वाला प्रिव्यू को फिर से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखिए ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप पर क्लिक करना और इफेक्ट पर क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। और ये देखिए गाइस इस ग्रुप की साइज़ यहाँ पे बढ़ गई हमारी, तो इस ग्रुप पे फिर से क्लिक करके स्पीड पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, हमारा जो ग्रुप की साइज़ है वहाँ पे कम हो जाएगी। अभी देखिए गाइस आपको कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो अगला ग्रुप आ रहा है इसी पर भी हमारे को वो इफेक्ट पेस्ट करना है। अगला ग्रुप ये रहा, ग्रुप पर क्लिक करेंगे, फिर से इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पर कर देंगे गाइस, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर भी इफेक्ट आ गए गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक काम हमारा कम्प्लीट। और देखिए गाइस ये ग्रुप है, यहाँ तक आपको लगा देना, जितने ग्रुप है देखिए गाइस कहाँ तक हमारे ग्रुप है, यहाँ तक, ठीक है। 13.25 सेकंड ये लास्ट वाला ग्रुप ये रहा, ठीक है, जो कि ये लास्ट वाला ग्रुप 11.13 सेकंड पे है, तो इसके अंदर भी हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये इफेक्ट लगा देना ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कम्प्लीटली हो चुका गाइस। अभी आपने देखा होगा गाइस यहाँ पर भी तितली आती है और यहाँ पर भी तितली आती है, वो आपने देखा होगा, ठीक है, इधर उधर, ठीक है, इधर भी तितली आ रही थी, इधर भी आ रही थी, ठीक है, वो जो बटरफ्लाई है। अब उनको लगाना है, उनको लगाने के लिए यहाँ से हमारे को फिर से बेकाना है, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और यहाँ पे दो लेयर दिख रहे होंगे, इन दोनों लेयर को हमारे को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वाला लेयर है, इसको दबा के रखना, सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाले पे भी क्लिक कर देना, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। प्लस लेयर पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये दोनों लेयर यहाँ से कॉपी हो गए। कॉपी होने के बाद यहाँ से हमारे को बैक आना, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद स्टार्टिंग के अंदर रहना, प्लस लेयर पर क्लिक करना, पेस्ट टू लेयर इस पर क्लिक कर देना गाइस, तो दोनों लेयर यहाँ पर हमारे आ गए गाइस। अभी देखिए गाइस जो ऊपर वाला लेयर है इस पर क्लिक कर देना और इफेक्ट पे क्लिक करना, और ये सारे इफेक्ट है इनको इस प्रकार से आपको हटा दो, ठीक है, इस प्रकार से ये हट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट हट गए, और जो हमारी तितली वगैरह जो आपको देखने को मिल रही होंगे गई, ठीक है, एकदम परफेक्टली यहाँ पे आ गए गई जो तितली आपको दिख रही होगी। अब इनको हमारे को फिर से सेलेक्ट करना है दोनों लेयर को, ठीक है। तो दोनों लेयर को सेलेक्ट करने के लिए इस प्रकार से दबा के रखना है, और तो राइट का ऑप्शन लग जाएगा इस पर, ऊपर वाले पे क्लिक करना, दोनों पे राइट का ऑप्शन लग गए। उसके बाद ऊपर जाना, यहाँ पे दिखेगा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब इस ग्रुप को हमारे को जो हमारे जो अभी अपनी फोटो एड कर रखी ना ये वाला ग्रुप, इसके नीचे लाना होगा, तो इसको इस प्रकार से दबा के रखना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे ले आना, जो ये 9 नंबर वाला ग्रुप है इसके जस्ट नीचे ला के इसको सेट कर दो। देखिए एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब आपको अगले बिट मार्क पे जाना है, और देखिएगा जो हमने अभी ग्रुप लगाया था ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है गाइस, ठीक है। तो इसी ग्रुप पे क्लिक करके स्पीड पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, तो एकदम बरूबरली हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए गाइस हमारा एकदम परफेक्टली ये वाला काम कंप्लीट, ठीक है। अब इसी ग्रुप को गाइस आगे जितने भी ग्रुप है गाइस ये 9 नंबर वाले, इनके नीचे लगाना होगा, ठीक है। तो अब इस ग्रुप को क्या करना, कॉपी कर लेना, तो इस ग्रुप पे क्लिक करना, प्लस लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर पे क्लिक कर दो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अगले बिट मार्क पे जाना, फिर से प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना। देखिए गाइस ये ग्रुप फिर से आ गया, ग्रुप को इस प्रकार से दबा के रखना, स्क्रॉल करके आपको नीचे ले आना, तो देखिए गाइस ये ग्रुप आ गए, और अभी आपको देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये देखिए गाइस इसके अंदर हमारा ये ग्रुप थोड़ा कम पड़ रहा है, तो अगले बिट मार्क पे जाएंगे, इस ग्रुप पे क्लिक करेंगे, स्पीड पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे, ग्रुप यहाँ तक आ गए, और हमारा जो तितली वगैरह वो भी यहाँ तक आ गए। तो इसी प्रकार से गाइस ये ग्रुप यहाँ पे जितने भी 9 नंबर वाले ग्रुप हैं इनके नीचे लगा लेना है, यहाँ तक, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ गाइस। देखिए गाइस यहाँ तक लगाना आपको, यहाँ तक इस 11.13 सेकेंड इस वाले ग्रुप तक लगा लेना, ठीक है, नीचे कम रहे तो मैंने बता दिया कैसे करना, ठीक है। यहाँ तक काम आपका कंप्लीट। अब आपको आ जाना 13.25 सेकंड पे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा होगा, इनके दोनों के अंदर आपको फोटो लगाना है, ठीक है। देखिए गाइस ये तीन लेयर दिख रहे होंगे, 1, 2, 3 तीनों के अंदर फोटो लगाना, ऊपर वाला लेयर इस पर क्लिक कर देना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना। अब जो भी आपकी फोटो पसंद आ रही है गाइस वो फोटो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं गाइस, एक फोटो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, बाकी फोटो आप ऐड कर लेना गाइस, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस मैं ये वाली फोटो ऐड कर लेता हूँ, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, तो देखिए गाइस फोटो इसके अंदर आ गई। इसी प्रकार से गाइस ये देखिए
ये दो लेयर और हैं, इनके अंदर भी फोटो एड कर लेना, ये वाला एक ये है और एक ये, इनके अंदर भी इसी प्रकार से फोटो एड कर लेना। यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट, उसके बाद में आ जाना अगले बीट मार्क पे 16.7 सेकंड पे, यहाँ पे ये वाला ग्रुप मिल रहा होगा। अब इसके अंदर देखिए गाइस जो लिरिक्स दिख रहा है इसका फॉन्ट चेंज करना, लिरिक्स पे क्लिक करेंगे, डबल एट एक्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे और ये वाला फॉन्ट रख लेना, ये आपको अलर्ट मोशन एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो यार ये इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस, ठीक है, इस फॉन्ट का, ठीक है। अब ये ग्रुप दिख रहा होगा इस ग्रुप पे क्लिक कर देना और एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना, इसके अंदर भी सेम फोटो ऐड करना गाइस, जो इमोजी इनका फॉन्ट चेंज कर लेना, इमोजी पे क्लिक करके डबल एट एक्स पे क्लिक करके इनका इमोजी आपको ये वाला रख लेना आईफोन वाला। तो देखिए गाइस ये कहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार चल के, ये रहा, ठीक है। तो ये वाला फॉन्ट कर लेना, इस वाले फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, दोनों इमोजी आपको चेंज कर लेना। अब आपको फोटो ऐड करना तो आपको स्टार्टिंग के अंदर आके प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है। अब यहाँ पे देखिएगा जो भी फोटो ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना फोटो यहाँ पे आ गई। अब आपको करना क्या गाइस, इस फोटो को बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा, फोटो को इस प्रकार से दबा के रखना, स्क्रॉल करके नीचे ले आना। अब आपको एंड के अंदर जाना, ये फोटो यहाँ तक ही कम है तो इस फोटो पर क्लिक करके इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, फोटो हमारे एंड तक आ गई, फोटो इसके अंदर भी आ गई गाइस। अब इसकी साइज़ वगैरह हमारे को कम करनी है, फोटो पर फिर से क्लिक करना, मोर एंड्रांस पर जाना, साइज पर क्लिक करके इसकी साइज इस प्रकार से आपको कम कर लेनी ताकि आपकी फोटो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा इस, ठीक है, इस प्रकार से और कम कर लेते हैं, इतनी कर लो, कम हो गई। अब उसके बाद में इसको नीचे लाना है फोटो को हमारे को, ठीक है। तो देखिएगा इसकी फोटो पर फिर से क्लिक करके फोटो को इस प्रकार से आपको नीचे ले आना ताकि आपकी फोटो सही से दिखेगा इस, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। हमारे यहाँ तक काम आपका कंप्लीट। अब देखिएगा इसके अंदर हमारा ये लग गया इस, ठीक है, फोटो। अब यहाँ से हम बैक चल के दिखाते हैं आपको एक बार और, देखिए अब बैक आ गए। अब आपको मैं फिर से उसी बीट मार्क पर चल के दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, देखिए इसके अंदर फोटो आ गई हमारी जो 16.7 सेकंड पे थी, जो देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर फोटो भी आ गई और हमारे लिरिक्स का फॉन्ट भी चेंज कर लिया। अब यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगी जो मैं आपको अभी बता दूंगा फ़ोटो, ठीक है। उसके अंदर फिर से अगले बीट मार्क पे आएंगे, यहाँ पे भी सेम सिस्टम है जो इसके अंदर लगाए, इसी प्रकार से इसके अंदर फोटो ऐड कर लेना, फोन चेंज कर लेना, ठीक, इमोजी चेंज कर लेना, ये दोनों, ठीक है। अभी अब देखिए गाइस, अब हमारे रह गए यहाँ पे खाली जगह एंड तक, ठीक है, बीट मार्क के हिसाब से अब आपको फोटो ऐड करना एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, फोटो ऐड करने के लिए देखिए गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे खाली जगह, तो यहाँ से हम फोटो ऐड करने वाले, एक यहाँ पे करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आगे खाली जगह एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोटो ऐड, तो सबसे पहले यहाँ पे फोटो ऐड करने के लिए इस बीट मार्क पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी फोल्डर के अंदर हमारी फोटो है। अब फोटो ऐड करने के लिए देखिए गाइस, जो भी फोटो हमारे को ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ गई। अब इस फोटो को फुल स्क्रीन करना तो यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगी। इस फोटो को हमारे को अगले बीट मार्क तक रखना होगा, तो इस वाला आइकन पर 2 बार क्लिक करेंगे, 1 और 2, अगले बीट मार्क पे आ जाएगा, उसके अंदर इस वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे, फोटो हमारी यहाँ तक आ। इस प्रकार से गाइस आपको यहाँ पे एंड तक फोटो ऐड कर लेना गाइस, ठीक है, जो मैंने बता दिया गाइस, ठीक है, जहाँ जहाँ खाली जगह। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने एक फोटो ऐड कर ली, तो यहाँ पे मैं गाइस सारी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ, नहीं तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे फोटो ऐड कर ली गाइस, सारी फोटो देखिए ये वाली कर ली, और उसके बाद में देखिए बीट मार्क के हिसाब से हमने सारी फोटो यहाँ पे ऐड कर रखी। अब इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना, तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो हमारी ये वाली आ रही है। अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा गाइस, तो यहाँ से हमको फिर से बेकाना है इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में जो हमारी फर्स्ट वाली फोटो ये रही, ठीक है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बेक आना है, बीट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमारे को आ जाना गाइस इस बीट मार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे आ जाना, देखिए 17.22 सेकंड पे आना, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग गया गाइस, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। फिर आगे जाना गाइस, इस बीट मार्क पे आ जाना 20.22 सेकंड पे, यहाँ पे ये वाली फोटो आ रही है। अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाएगा, तो यहाँ से बेक आना, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना, और इस बार हमारी जो सेकंड नंबर वाली फोटो है, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बेक आना है, ठीक है, बेकाने के बाद बीट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको आ जाना गाइस इस बीट मार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे आ जाना इस बीट मार्क पे 20.22 सेकंड पे आना, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर भी इफेक्ट लग गए गाइस। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना टाइमिंग देख लो गाइस, 20.22 सेकंड से लेके और गाइस ये इफेक्ट आपको यहाँ तक लगा देना, जो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, ठीक है, 28.17 सेकंड इस वाली फोटो तक आपको ये वाला इफेक्ट इस प्रकार से पेस्ट कर देना गाइस, जो लास्ट वाली फोटो यहाँ तक, ठीक है।
तो यहाँ तक काम आपका हमारा कंप्लीट। अब 28.17 सेकंड के बाद में ये वाली फोटो आ रही है। अब इस फोटो के अंदर कौन से वेक लगेगा, तो यहाँ से हम फिर से वेक आएंगे, इफेक्ट वाले पेज को ओपन करेंगे और जो लास्ट वाली फोटो हमारी ये वाली फोटो पे क्लिक करके, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेंगे गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को वेक आना है, बिट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में जो लास्ट वाली फोटो है वहाँ पर चले जाएंगे, ये रही हमारी लास्ट वाली फोटो। फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पे कर दो गाइस, फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। अब इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और जो नीचे नीचे इफेक्ट दिख रहा होगा ये ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना। अब आपको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर ही आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा गाइस। तो फाइनली गाइस जो हमारा वीडियो है वो कम्प्लीटली बन चुका। अब इसके अंदर एक छोटा सा लोगो लगा देना आपको यहाँ पे इस जगह, और उसको एंड तक रख लेना। अब हमारा वीडियो कंप्लीट बन चुका। अगर आपको छोटा सा लोगो बनाना सीखना है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर चैनल को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मिल जाए। अब हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट। अब इसको एक्सपोर्ट करना हमारे को गैलरी के अंदर, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, वीडियो पे सेलेक्ट करना, उसके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन सेलेक्ट करना, यहाँ पे क्लिक करना, जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है इसको रख लेना, ठीक है गाइस। तो हमारे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा है, तो मैं 1080 रख लेता हूँ, इसको फुल कर देना। क्वालिटी कम है तो क्वालिटी को इस प्रकार से फुल करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी गाइस ये। और ये पूरी 100% एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पर सेव का बटन आ जाएगा, सेव के बटन पर क्लिक कर देना गाइस, तो आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।